हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पीके वर्मा हेल्थ केयर पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस क्या है, इसका लक्षण क्या है, ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है, उससे पहले वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप नहीं करें। दोस्तों, पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड में सीरम बिलीरुबिन बढ़ जाने के कारण होता है। जो सीरम बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है, जिसका रंग पीला होता है, उसी के कारण जो है जॉन्डिस होता है। दोस्तों, जॉन्डिस का मुख्य लक्षण है आपका आँख पीलापन हो जाएगा, आपका जीभ जो है पीला हो जाएगा, आपका यूरिन जो है पेशाब वो भी आपका पीला हो जाएगा और पूरी बॉडी का त्वचा जो है वो पीलापन हो जाता है। दोस्तों, इसका संबंधित जो दोस्तों लीवर से है या लीवर से जुड़ा होता है। जब भी कोई हम लोग तेल मसाला बाहर के सामान खाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तेलहन चीज़ या फिर पेट साफ न रहने की वजह से, कब्ज बनाए रखने की वजह से, भोजन में बहुत ज़्यादा मसालेदार ऑयली फूड खाने से होता है दोस्तों, यह लीवर से संबंधित है और लीवर को धीरे धीरे ये खराब करने की भी आशंका होता है जॉन्डिस के कारण। दोस्तों, जॉन्डिस एक बहुत ही घातक बीमारी है। अगर इसका ठीक से सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो उस स्थिति में जो जॉन्डिस है वो धीरे धीरे बढ़ के हेपेटाइटिस के रूप ले लेता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और आप सबको पता है कि हेपेटाइटिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है। दोस्तों, जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक दवा खाते रहता है और उस हेपेटाइटिस को कंट्रोल में रख सकता है। लेकिन अगर दोस्तों हम जॉन्डिस की बात करें तो जॉन्डिस ठीक किया जा सकता है। अगर जॉन्डिस तक ही है जो बीमारी है तो हम लोग को जल्द ही इलाज करवा लेना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका सही डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं जॉन्डिस में क्या क्या परहेज किया जाता है और इसमें क्या परहेज है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जॉन्डिस में हम लोगों को सबसे पहली बात कि जो तेलहन चीज़ है, जो बाहर का सामान है, फास्ट फूड, जंक फूड जो भी है वो बिल्कुल नहीं खाना है। इसके अलावा क्या है कि जितना भी तेल मसाला होता है बाहर का सामान या घर में भी, दोस्तों बहुत ज़्यादा तेल मसाला हम लोग नहीं खाएंगे। हम लोग को बिल्कुल परहेज में रहना है, बिल्कुल सादा भोजन खाना है और ठंडा ठंडा भोजन खाना है। जितना भी गर्म भोजन है वो हम लोग को नहीं खाना है। दोस्तों, जितना हम लोग ठंडी ठंडी भोजन खाएंगे, जैसे दही हो गया, मट्ठा हो गया या खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, फल फूल जितना भी ठंडा चीज़ है वो हम लोग खा सकते हैं। दोस्तों, हम लोग ठंडा ठंडा भोजन तब तक खाएंगे जब तक हम लोगों का नाक से पानी न चलने लगे, अर्थात सर्दी न हो जाए। जब भी हमारे अंदर जो है नाक से जब पानी चलने लगता है, सर्दी हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड में सीरम बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ा होता है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो जॉन्डिस है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, इस जॉन्डिस में कौन कौन सी दवा चलता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो जॉन्डिस में है, हम लोग सिरप ली-52 उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एडल्ट लोग हैं तो 12 वर्ष से जितने भी एडल्ट लोग को अगर जॉन्डिस हुआ है तो वहाँ पे हम लोग ली-52 सिरप को 10-10 ml दो टाइम यूज कर सकते हैं, 10 ml सुबह और 10 ml शाम। इसके अलावा भी एक सिरप है आप लोग को साथ में लेना है, तो जिसका नाम सोर्बेलिन सिरप है, 10-10 ml इसको भी सुबह शाम आप ले सकते हैं। अगर 12 वर्ष से जितने भी एडल्ट लोग हैं वो 10-10 ml लेंगे दोस्तों। और इसके साथ एक और टैबलेट आपको खाना है दोस्तों, टैबलेट यूटीलिव 300 mg। अगर जिस व्यक्ति का एज 12 वर्ष से अधिक हो रहा है वो यूटीलिव 300 mg टैबलेट खाएगा। दोस्तों, यह जो टैबलेट है इसका कॉम्बिनेशन होता है अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड, यह हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, या इसके और भी कई नाम आ सकते हैं, यूडीलिव, अर्सोडेल या और भी कई कंपनियां इसकी आती है जो हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और इस टैबलेट को खाने की बात करें तो ये जो टैबलेट है इसको एक टैबलेट रोज खाना है सुबह नाश्ता के बाद 300 mg का। और यही अगर हम बात करें दोस्तों इन तीनों दवाओं के बारे में, तो अगर बच्चा को अगर जॉन्डिस हो गया है
दो साल से लेके 12 वर्ष तक के बच्चा है उसको अगर हो गया है तो उसमें हम लोग जो लीफ 52 सीरप है उसको हम लोग 5 ml सुबह और 5 ml शाम देंगे। या फिर सोर्बिलिन सिरप है उसको हम लोग 5 ml सुबह और 5 ml शाम देंगे। और बच्चा के लिए अगर टैबलेट देना है तो ये दोस्तों आप दे सकते हैं 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे को, जो यूटीलिप 150 mg का आता है, और वो आपको एक गोली रोज देना होगा दोस्तों। 7 साल से नीचे के बच्चे को टैबलेट नहीं देना है, जब भी देना है 7 साल के जितने भी ऊपर बच्चे हैं 12 12 से 13 वर्ष के उसको हम लोग दे सकते हैं। अगर आप सबको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।